Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is Proxy Server. So Proxy Server जो है एक बहुत ही important topic है from examination point of view और बहुत ही interesting topic भी है. तो चलिए start करते हैं discussion on the proxy. तो इससे पहले कि हम प्रॉक्सी सर्वर को डिस्कस करें, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वर्ड प्रॉक्सी का. आपने क्लास में भी काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया होगा. आप फॉर मार्किंग द अटेंडेंस, किसी और की अटेंडेंस के लिए जब आप यूज़ करते हो प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी मींस एक्टिंग ऑन समवन अदर्स बिहाफ, किसी और के बिहाफ पे एक्ट करना प्रॉक्सी कहलाता है. Now, proxy server is basically a machine that act as a intermediary between the computers of a local area network and the internet. तो proxy का simple meaning हो गया कि किसी और के behalf पे act करना. तो proxy server एक ऐसी machine होती है जो एक तरफ connected होती है with local area network और दूसरी तरफ connected होती है with इंटरनेट, लाइक दिस. तो इट मींस ये इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में आ जाती है और लोकल एरिया नेटवर्क के जितने कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए ये एक्ट करती है एज ए सर्वर, और इंटरनेट पे जो सर्वर्स होते हैं उनके लिए एक्ट करती है एज अ क्लाइंट. तो आपको इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर. सो प्रॉक्सी सर्वर, जैसे हमने पहले बात करी कि प्रॉक्सी का मीनिंग क्या है. नाउ अ प्रॉक्सी सर्वर एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट और यूजर टू प्रोवाइड द एक्सेस टू अ नेटवर्क सर्विस एंड इट शील्ड्स ईच साइड फ्रॉम अ डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्शन. अ प्रॉक्सी सर्वर इज बोथ अ सर्वर एंड अ क्लाइंट. तो होता क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में ये सर्वर अब आ जाएगा. लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कहेगा कि मैं सर्वर हूँ और इंटरनेट के सर्वर्स को कहेगा कि मैं क्लाइंट हूँ. तो इट मींस अब जो क्लाइंट और सर्वर की डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, प्रॉक्सी सर्वर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्लाइंट टू प्रॉक्सी सर्वर एंड देन प्रॉक्सी सर्वर टू द इंटरनेट, और फिर इंटरनेट से प्रॉक्सी सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर टू द क्लाइंट. Now the concept can be made very clear from this diagram. Now you can observe in this diagram the proxy is residing in between the local area network and the internet. So koi direct communication nahi hai ab between the client and the server. Client server ki direct communication ko humne do parts mein divide kar diya. To local area network will be connected to the proxy directly aur proxy fir usko connect karegi with the इंटरनेट. तो इट मींस जब भी अब कोई लोकल एरिया नेटवर्क का कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा फॉर इंटरनेट, प्रॉक्सी उसको बोलेगा कि मैं इंटरनेट हूँ, आप बताइए मुझे क्या चाहिए. वो उसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा और फिर उसी रिक्वेस्ट को वापस भेज देगा क्लाइंट बनके इंटरनेट सर्वर के पास. वहाँ से जो रिप्लाई आएगा एज अ क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा और उस रिप्लाई को एज अ सर्वर वापस प्रोवाइड कर देगा टू द कंप्यूटर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर. अब पॉइंट ये है कि ये सारी चीज करने का फायदा क्या है. तो आपका सबसे बड़ा फायदा है जी सिक्योरिटी, क्योंकि अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट. तो कुछ भी आप अगर मलिशियस कंटेंट बाहर जा रहा है आपके नेटवर्क से या अंदर आ रहा है, उस वो सारा एक पॉइंट से आ रहा है. तो आपको यहाँ पे आप सॉलिड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करके हर तरह का मलिशियस कंटेंट है जो वो स्कैन कर सकते हो. दूसरा है, इसको आप वेब कैशिंग के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, रिवर्स फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर इतने फ़ायदे हैं तो साथ में कुछ नुकसान भी हैं. तो ड्रॉबैक क्या है, ये आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा स्लो कर देगा, क्योंकि पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही थी बिटवीन द क्लाइंट एंड द इंटरनेट, लेकिन अब उस कम्युनिकेशन को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा.
तो जब हम प्रॉक्सी के फीचर्स की बात करते हैं या इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं तो चार मेन एडवांटेजेस हैं। कौन कौन सी? नंबर वन इज कैशिंग, नंबर टू इज फिल्टरिंग, नंबर थ्री इज ऑथेंटिकेशन एंड नंबर फोर इज रिवर्स प्रॉक्सी। तो चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज कैशिंग। नाउ द कैशिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। अब कैशिंग में होता क्या है? तो मान लीजिए दिस इज योर लोकल एरिया नेटवर्क एंड दिस इज योर इंटरनेट। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा प्रॉक्सी सर्वर। तो अब मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क के किसी में लगभग आपके पास तकरीबन मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स हैं, तो ये सारे कनेक्टेड हैं विद द प्रॉक्सी सर्वर। तो मान लीजिए आप पहले कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट करी फॉर google.com, तो google.com के लिए रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट किसको जाएगी? प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी क्लाइंट को कहेगा कि जी मैं ही हूँ सर्वर, लेकिन बेसिकली वो सर्वर नहीं है। तो वो क्या करेगा? फिर क्लाइंट के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करेगा, एज अ क्लाइंट क्लाइंट बन के रिक्वेस्ट करेगा गूगल को, और उसको उससे जो रिप्लाई आएगा उसको वो अपनी लोकल मेमोरी में स्टोर कर लेगा, कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद रिप्लाई वापस भेज देगा क्लाइंट को। अब स्टोर करने का, कैशिंग करने का बेनिफिट क्या हुआ? जब नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा फॉर द सेम रिसोर्स, तो इस बार प्रॉक्सी इंटरनेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मेमोरी में google.com का जो पेज है उसने कैशे मेमोरी में स्टोर कर रखा है। तो जैसे ही कोई मशीन रिक्वेस्ट करेगी उस रिसोर्स के लिए, वो अपनी कैशे मेमोरी से उसी टाइम पे वो रिसोर्स जो है वो रिटर्न कर देगा टू द रिक्वेस्टिंग मशीन। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, क्योंकि पहले आपको इंटरनेट पे जाके वो रिसोर्स को फेच करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर कर लिया उसको। जैसे ही कोई और मशीन रिक्वेस्ट करेगी, आप अपनी कैशे मेमोरी से रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को। तो कहाँ पहले आप इंटरनेट पे जा रहे थे, कब अब आपको वो सारे रिसोर्सेज लोकली आपकी कैशे मेमोरी में स्टोर होने के कारण वहीं से अवेलेबल हैं। तो इससे आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब गूगल का पेज तो 24 आवर्स में एक बार ही चेंज होता है, उसका डूडल एक बार ही चेंज होता है इन 24 आवर्स। लेकिन सपोज कीजिए आप कोई लाइव स्कोर है या स्टॉक मार्केट की वेबसाइट देख रहे हो, तो उस केस में तो ऐसा नहीं होगा ना। आपने एक बार रिक्वेस्ट किया, उसको कैशे मेमोरी में स्टोर करके अगर आप वही चीज़ें रिटर्न करी जाओगे, तो यूज़र को तो स्टेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उसको तो पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व किया जाए? तो कैशिंग में जब भी हम कोई पेज फेच करते हैं, तो उसके साथ ही उसका एक्सपायरी टाइम भी सर्वर से फेच कर लेते हैं। तो उस एक्सपायरी टाइम के बाद हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करते हैं उस सर्वर से रिसोर्सेज को, और कैशे में जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, नया रिसोर्स फेच कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पीरियडिकली रिफ्रेश करते रहेंगे जो भी डेटा कैशिंग में स्टोर है, ताकि यूज़र को पुराना डेटा ना मिले। तो जो सबसे पहला फीचर है प्रॉक्सी का, कैशिंग। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा और बेनिफिट भी क्लियर हो गया होगा। दूसरा है जी फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग में, क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें आपके लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर जा रही हैं वो सारी जा रही हैं थ्रू द प्रॉक्सी सर्वर, और जो कुछ इंटरनेट से आ रहा है या वो भी आ रहा है थ्रू प्रॉक्सी सर्वर। तो अब आप क्या करोगे, आप प्रॉक्सी सर्वर पे स्ट्रॉन्ग फिल्टरिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिल्टरिंग मैकेनिज्म क्या, कि आप हर रिक्वेस्ट को चेक करके अपने लॉग में एंट्री कर लोगे, फिर चेक करोगे कि रिप्लाई जो आ रहा है उसी पे आ रहा है ना, जिस रिसोर्स वहीं से आ रहा है ना जिसको रिक्वेस्ट किया गया था, और जिस मशीन से रिक्वेस्ट किया गया था क्या वहीं पे रिप्लाई आ रहा है। तो यू विल बी एबल टू फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, ताकि उसमें वो कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि कोई मलिशियस कंटेंट हो, या कुछ आपने रिक्वेस्ट किसी और सर्वर को करी है लेकिन रिप्लाई किसी और से आ रहा है। तो इस तरह से आप
सारा जो ट्रैफिक है इन और आउट उसको फिल्टर कर सकते हो यूजिंग द प्रॉक्सी। और जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं वो दे आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फायरवॉल्स, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर के पास कैपेबिलिटी होती है किसी भी पैकेट को फिल्टर करना अप टू द लेयर नंबर 7, क्योंकि जो आपकी स्टैटिक और स्टेट फुल फायर वॉल्स होती हैं वो पैकेट को फिल्टर कर सकती हैं अप टू लेयर नंबर 4 ओनली, वो कंटेंट को फिल्टर नहीं कर सकती, लेकिन प्रॉक्सी आपका कंटेंट को फिल्टर कर सकता है। द थर्ड बेनिफिट इज ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन मीन्स आप चाहते हो कि कुछ सर्टन जो यूजर्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क के वही इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, तो आप प्रॉक्सी सर्वर पे ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो, मींस यूज़र नेम और फायर पासवर्ड के ऑप्शंस इनेबल कर सकते हो। यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने से पहले यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। सो इस तरह से आप प्रॉक्सी को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब कोई इंटरनेट से आपके इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, तो उस कंट्रोल एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवर्स प्रॉक्सी। तो रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होगा, हम इंटरनेट से कोई अगर आपकी मशीन को एक्सेस करना चाहता है, आपके इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, तो रिवर्स प्रॉक्सी को यूज करके हम उस एक्सेस को अलाउ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में। नाउ लेट्स डिस्कस द मोड्स ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर के दो मोड्स हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड एंड नॉन ट्रांसपेरेंट मोड। तो दोनों में डिफरेंस को समझने के लिए चलिए जल्दी से एक अपनी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ऑफ अ नेटवर्क हैविंग अ प्रॉक्सी सर्वर बिटवीन द क्लाइंट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट। तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज योर लोकल एरिया नेटवर्क एंड दिस इज योर इंटरनेट। तो अब दोनों के बीच में है आपके पास प्रॉक्सी सर्वर। तो लेट्स अज्यूम दीज आर द क्लाइंट्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क एंड दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू द प्रॉक्सी। तो इन ट्रांसपेरेंट मोड द क्लाइंट्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। लोकल एरिया नेटवर्क की मशीन्स को पता ही नहीं होता कि प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअली है, तो वो अपनी रिक्वेस्ट करते हैं गेटवे को और उनका गेटवे प्रॉक्सी होता है, तो वो सारी इंटरसेप्ट करके फिर उनको चेक करके फिल्टर करके जो आगे रिक्वेस्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। लेकिन इन नॉन ट्रांसपेरेंट मोड द कंप्यूटर्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। तो अगर वो अवेयर हैं तो इट मींस अब हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हम लोकल एरिया नेटवर्क के ब्राउजर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर, लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में हम कंप्यूटर्स पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते बिकॉज द कंप्यूटर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट में ऑल द कंप्यूटर्स आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। और ये अवेयरनेस कैसे आती है, बाय कॉन्फ़िगरिंग द एड्रेस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर इन द ब्राउजर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क मशीन्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स द कंप्यूटर्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर और हमें कोई क्लाइंट साइड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट में ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क आर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर और हमें लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर्स के ब्राउजर के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी, तो तीन तरह की प्रॉक्सीज होती हैं जी, वेब प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी एंड एनोनिमाइजिंग प्रॉक्सीज। पहली है जी वेब प्रॉक्सी, जैसे हमने कैशिंग में बात करी थी, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको कैशिंग में ही दे दी थी। तो ये जो होते हैं ये वेब ये प्रॉक्सी जो होती है वेब प्रॉक्सी, ये वेब की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होती है। कोई भी क्लाइंट जब कोई किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो
प्रॉक्सी सर्वर सबसे पहले चेक करता है कि क्या उसकी कैशे मेमोरी में वो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है। अगर वो है तो इसको बोलते हैं कैशे हिट, अगर वो रिसोर्स नहीं है तो उसको बोलते हैं कैशे मिस। तो कैशे मिस के केस में प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स होता है उस पे जाता है इंटरनेट में, उसको फेच करता है और स्टोर कर लेता है अपनी कैशे मेमोरी में। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट सेम रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है तो इस बार क्योंकि उसकी कैशे में ऑलरेडी वो पेज है तो वो अपनी कैशे से ही रिटर्न कर देता है। तो कैशे हिट व्हेन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज अवेलेबल इन द कैशे मेमोरी ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर, एंड कैशे मिस मीन्स व्हेन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इन द कैशे ऑफ द वेब प्रॉक्सी। तो इस तरह से आपकी जो इंटरनेट एक्सेस की स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, आपका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी क्विक हो जाता है। द सेकेंड इज रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक्सटर्नल नेटवर्क में से आपके इंटरनल नेटवर्क की मशीन को एक्सेस करना चाहता है, कुछ कंट्रोल करना चाहता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। थर्ड होता है जी आपके पास एनोनिमाइजिंग प्रॉक्सीज। एनोनिमाइजिंग प्रॉक्सी होते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस द चेन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स। तो अब प्रॉक्सी सर्वर्स की चेन का क्या मीनिंग है, आपका जो कंप्यूटर होगा वो एक प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्टेड होगा, एक प्रॉक्सी सर्वर आगे मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्टेड होगा और सर्वर तक पहुंचते पहुंचते एन नंबर ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स बीच में आ जाएंगे। तो इस तरह से सर्वर पे जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो क्लाइंट कहाँ से आई है आपको रिक्वेस्ट, वो ट्रैक आप नहीं कर सकते। तो जैसे आप आई मीन आप बहुत सारी के प्रॉक्सी है आपके पास, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो तो एनोनिमाइजिंग प्रॉक्सीज आर द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हाइडिंग योर आइडेंटिटी फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट कंक्लूड्स आर टुडेज डिस्कशन। आज हमने डिस्कस किया कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर, देन वी डिस्कस्ड द फीचर्स ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में है कि वो आपके परफॉर्मेंस को कभी कभी स्लो कर देता है। स्लो कैसे कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, एंड मोर ओवर जब आप लेयर 7 तक फिल्टरिंग करते हो पैकेट्स की वो भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो उसके बाद कैशिंग, फिल्टरिंग, ऑथेंटिकेशन और रिवर्स प्रॉक्सी के हमने उसके बाद हमने डिस्कस करा मोड्स ऑफ प्रॉक्सी, देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।